नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन दिखा दो दोबारा।
बना लिया क्वेश्चन क्या? देखो ध्यान सुनना क्वेश्चन बिल्कुल। 3 ग्राम मिक्सचर था Fe3O4 का, प्लस Fe2O3 का। ये मिक्सचर है 3 ग्राम, और साथ में एक इनर्ट मटेरियल है। साथ में क्या है? इनर्ट मटेरियल। इसको ट्रीट किससे किया? Ke के साथ। इसको Ke से ट्रीट किया। आई माइनस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये तुम्हें पता है। इसने कर दिया इसको Fe2+ में, और दूसरा भी हो जाएगा +3 से +2 में। यही बोला ना इसने, अलोंग विद लिबरेशन ऑफ आयोडीन। अब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया 100 ml तक, 100 ml तक डाइल्यूट कर दिया, बोला ना क्वेश्चन। 100 ml में से 20 ml सॉल्यूशन ली, और 20 ml के लिए हाइपो चाहिए क्या? 11 ml ऑफ, है ना, 11 ml ऑफ 0.5 मोलर, 11 ml ऑफ 0.5 मोलर हाइपो चाहिए। 20 ml के लिए चाहिए ये, और हमें कितने के लिए? 100 ml के चाहिए। 11 ml ऑफ 0.5 मोलर चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या बनेगा इससे? हाइपो Na2H2O3। ये तो रटी पड़ी है ना क्वेश्चन, क्या बनता है इससे? Na+Na2S4O6। याद है कि नहीं? ये क्वेश्चन सबको याद होगी। और उसके बाद हमने दोबारा सॉल्यूशन को वही 50 ml लिया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में से। 100 ml सॉल्यूशन थी, उसमें से दोबारा कितना लिया? 50 ml। उसके लिए Kn4 कितना चाहिए? 12.8 ml ऑफ 12.8 ml ऑफ 0.25 मोलर Kn4 चाहिए। तो ये किसमें जाएगा? +3 में। ये भी किसमें जाएगा? +3 में। यही बोला है कि नहीं? ये पूरा क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि नहीं? कोई भी डेटा इसमें अनचेंज, कोई चेंज तो नहीं है इसमें, यही डेटा है पूरा। अब एक बार क्वेश्चन को मिलिक्वेरेंट से, एक बार मोल से। मान लो मैंने एक बार मान लिया मोल ये ए, या मिलिक्वेरेंट ये ए मिलिक्वेरेंट, ये बी मिलिक्वेरेंट, ए मिलिक्वेरेंट बी मिलिक्वेरेंट। तो अब पहले एनफैक्टर निकाल लेना जरूर। इधर इसका इन्फेक्टर कितना होगा? यहाँ आएगा चार्ज +8/3, तो 3 × 8/3 + 8, 3 × 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं? एन्फेक्टर Fe3O4 का कितना है? 2। और Fe2+ का कितना है? नहीं, 3 मोल है ना, देखो ढंग से। 3 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए 2/3, तो 2/3 एन्फेक्टर इसका, ये याद रखना। और एन्फेक्टर Fe2+ का इधर कितना है? 1। लेकिन ऊपर मिलिक्वेरेंट थे ए, तो नीचे मिलिक्वेरेंट, नीचे वाले इक्वेशन में Fe2+ के मिलिक्वेरेंट कितने होंगे? 3/2 ए। ध्यान से देखो, इस Fe2+ का इन्फेक्टर ऊपर वाली इक्वेशन में कितना है? 2/3। नीचे वाली इक्वेशन में कितना है? 1 + 2 से + 3, 1 है कि नहीं? तो Fe2+ के मिलिक्वेरेंट विद इन्फेक्टर 2/3 वॉज ए, विद इन्फेक्टर 1 विल बी 3/2 ए। नहीं समझ, यूनिटरी मेथड है। 2/3 के लिए ए मिलिक्विलेंट, तो 1 के लिए 3/2 ए मिलिक्विलेंट। क्या इधर कोई चेंज आ रहा है? यहाँ पे +3, यहाँ +2, यहाँ पे फिर +3। क्या कोई चेंज आया? नहीं आया ना चेंज। इसका मतलब क्या है? 1। और I2 का भी देख लो, I2 आई माइनस से बना था ना ये, आई माइनस से I2 इन्फेक्टर इसका 2 है इधर भी, और I2 से दोबारा आई माइनस बन गया, इन्फेक्टर इधर भी क्या है? 2। तो क्या कोई चेंज आया? नहीं। ये इन्फेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी कल क्वेश्चन इजी करता है ये। तो इसलिए अब ध्यान देना, पहली क्वेश्चन में ए और बी दोनों ऑक्सीडाइज किससे हो रहे हैं? आई माइनस से। आई माइनस से हो रहे हैं, बन क्या रहा है? I2। I2 बन रहा है कि नहीं? तो पहली क्वेश्चन, ए प्लस बी अगर मैं बात करता हूं 20 ml की, तो मिलिक्विलेंट होंगे 5.5। आ रहा समझ के नहीं? इन्फेक्टर का 1 होता है, याद है कि नहीं? हाइपो सॉल्यूशन का इन्फेक्टर कितना था? 1। तो 5.5 आएगा × 20 ml। अगर सॉल्यूशन हो जाए 20 की जगह 100 ml, तो × 5 करना पड़ेगा कि नहीं? तो 5.5 × 5, 100 ml के लिए। 20 ml के लिए 5.5 है, तो 100 ml के लिए × 5 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 27.5। पहली क्वेश्चन समझ आ गई कि नहीं? दूसरी क्वेश्चन, अब ये दोनों Fe2+ किससे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? Kn4 से। Kn4 से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कितना चाहिए? 12.8 ml ऑफ 0.25 मोलर। कितना हुआ ये? एनफेक्टर 5 है इसका, पता ना? Kn4 किस में जाता है? Mn2+ में। तो 12 पॉइंट, अब देखना, और ये 50 ml सॉल्यूशन लिया है, 100 में से कितनी लिया है? 50।
तो अब जो वैल्यू होगी इसके मिलीग्राम कितने लेंगे, इसके मिलीग्राम कितने लेंगे, एक ही 3/2 है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? 3/2 a प्लस बी, इसके मिलीग्राम तो चेंज नहीं हुए ना, प्लस बी इज इक्वल टू 12.8 इंटू 0.25, कितना होगा 3.2, 12.8 बाय 1/4 कर दो ना, इंटू 1/4, 3.2 इंटू इसका इन्फेक्टर कितना है 5, 3.2 इंटू 5 और इंटू 2 और करेंगे, इंटू 2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 50 ml थी ना सोल्यूशन 100 के लिए, तो 3.2 × 10 32 आ गया कि नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, सही ना, समझना इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी बताई है थोड़ी सी, नहीं समझ आई खुद करके देखो समझ आ जाएगा, डाउट है दोबारा पूछो, 10 बार करो क्वेश्चन को, समझ आना चाहिए। दो क्वेश्चन आ गई, दो अननोन, हो गया क्वेश्चन नहीं, और क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, तुम्हें देखने में लग रहा होगा छोटा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, आधा पेज भर जाता है लिखोगे तब, सही है। तो इसलिए अब दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए बाय टू, 3/2 a - a, ए बाय टू आएगा कि नहीं, ए बाय टू कितना आ गया 4.5, ए आ गया 9, ए 9 आ गया तो बी कितना आ गया, ए 9 आया, बी आएगा 18.5। ए जो है वो Fe3O4 है, इसके मोल्स निकाल लो, इसका वेट निकालना ना, इसका वेट निकालना है Fe3O4 का, इसका वेट निकालना है तो मास अपॉन में इसका वेट Fe3 56 × 3 168, 168 प्लस 64 232, क्या ये पर चेक करना, 168 प्लस 64 232 शायद आएगा, 65 में से 30, 232 आ गया, तो 232 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना था इसका, 2 था कि नहीं, अपॉन में 2 इंटू 10 रेशियो 3, मास आ जाएगा कि नहीं, मिल्क प्लांट से मास निकालना आता है ना। दूसरा केस, इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर कितना है, 2, 2 की 1, Fe2O3 से Fe3+2+ बन रहा है, 2 है यहाँ पे, 2 Fe2+ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तुम पता इन्फेक्टर निकाल नहीं पा रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक मोल के 2 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, इसका इन्फेक्टर 1 है ना, नहीं समझे बात, 2 मोल के लिए है तो इन्फेक्टर 1, 1 मोल के लिए तो इन्फेक्टर 2 ही आएगा, आया समझ के नहीं है। तो बी की वैल्यू 18.5 है, तो बी होगा इसका मास अपॉन में इसका वेट 56 × 2 112, 112 और 48 160, 160 है ना, 160 डिवाइड बाई 2 × 10 रेशियो 3 इज टू 18.5, क्या दोनों के मास आ जाएंगे, मास आ गए दोनों के कि नहीं, मास मान लो ये मास आ गया तो परसेंटेज कैसे निकलेगी इसकी, जो मास आया डिवाइड बाय 3 करेंगे, स्टार्टिंग में जो 3 ग्राम मोलर इनर्ट मटेरियल भी था, नहीं समझ आया, डिवाइड बाय क्या करेंगे 3, समझ आया पूरा क्वेश्चन, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वाला, समझ आ गया कि नहीं, तो उसको ढंग से करना बिल्कुल, एक बार नोट कर लो, घर पे जाके दोबारा समझना, अगर यहाँ पे 20% 30% 40% जो भी समझ आया है घर पे जाके दोबारा करना, और अभी मोल कंसेप्ट से भी करेंगे इसी क्वेश्चन, समझ आ रहा है। अच्छा बहुत ऑनेस्टली बताना, 5 7 जो भी जिनको समझ आ गया है, सबको आ गया, दिव्यांशु समझ नहीं आया, तेरे को भी समझ नहीं आया, कृष्ण नहीं समझ आया, चलो अभी मोल से भी करना है इस क्वेश्चन। हाँ निष्ठा, निष्ठा कुछ पूछना तो नहीं है, सर चलो अभी, अब जो इसी क्वेश्चन को अगर मोल से करना है, अब ए और बी क्या मान लोगे तुम इधर, मोल पहले मिलकर माने थे ना, मोल मान लो,
हाँ कर लिया किसी ने, कर लिया कि नहीं? देखो उधर, देखो एक पार्ट बता दो तुम्हें, इसमें सुपर मोल्स कितने हैं? हाँ ऊपर मोल्स ए है ना, तो ए जो है, ये और बी, ए इंटू, ध्यान देना बिल्कुल, ए इंटू एन फैक्टर इसका 2 है इंटू 1000 इज इक्वल प्लस बी इंटू एन फैक्टर इसका भी 2 है इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू कितना होगा? दिस इज इक्वल टू कितना होगा? वही 27.5 होगा कि नहीं? यही तो होगा यहाँ पे जो है 11 इंटू 0.5 इंटू 5, समझ आया कि नहीं? अब उसके बाद दूसरे में ये वाली चीज, अब इसके मोल अगर ए हैं तो इसके 3 होंगे कि नहीं? इसके मोल अगर बी हैं तो इसके 2p होंगे कि नहीं? तो अगला 3a इंटू 1 इंटू 1000 प्लस 2b इंटू 1 इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? 32। सेम चीज आएगी कि नहीं? दो इक्वेशन है। अब यहां से मैं, अगर मेरे को ए निकालना है तो देखो ये 2b 1000 2b 1000 कैंसिल माइनस करने पर दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं? तो 3a माइनस 2a, तो ये आ गया a इंटू 10 रेशियो -3, माइनस करने के बाद इसको लो कितना आ जाएगा? 4.5। ये आ गया ए इंटू, उधर जाएगा ना ये प्लस है ना, ये आ गया कि नहीं? ए क्या है? मोल्स की मिलीग्राम, अब मोल्स तो ए को लिखता हूं मैं, गिवन मास अपॉन में 232, दिस इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 माइनस 3। जो मास यहाँ पे आ रहा है वही मास देखो ऊपर आ रहा है कि नहीं? ये वाला मास वही सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? सेम है ना? ऐसी दूसरा निकाल लोगे? दूसरा हो जाएगा कि नहीं? ऐसी एक निकाल दिया दूसरा निकाल लेना, समझ आ गया क्वेश्चन? निश्चय शो करो असाइनमेंट। जल्दी शो करो क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं जितने दिए हैं, मैं 4-5 कराऊंगा इसमें से, बाकी जो ट्राई करेगा तो डाउट पूछ सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 निकालना, 18 पीछे में, पीछे फर्स्ट पेज में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ और ये ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जा रहा है। 18 क्वेश्चन, गया 1 ग्राम सैंपल ऑफ AgNO3 डिजोल्व इन 50 ml ऑफ वाटर, इस इट इज ट्राइटेटेड इन 50 ml ऑफ KI सॉल्यूशन, द AgI प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड ऑफ। जल्दी से करेंगे इसको, जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लो, पहले दो क्वेश्चन और कराने हैं, एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा एक नेक्स्ट लेक्चर में, एक क्वेश्चन अभी एक नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी कर दो इसको। इसमें तो जो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेगा ना, आधा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है।
बट जैसे वो तो लोग पढ़ के भी आना इसी में से, इसी असाइनमेंट में से समझ लेके आना सब अलग अलग, इसी असाइनमेंट में से दो क्वेश्चन दूंगा एज टेस्ट, पहले इन्हीं को करना रिपीट 4 से 5 बार, बैलेंसिंग वाला के टू सी एडिशन कैमरा को भी देख, बैलेंसिंग का और इसका टेस्ट करके आना घर से जरूर। चाहिए, और दूसरे क्वेश्चन तुमने रीड कर लिया होगा, क्वेश्चन देखेंगे एक बार, क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें। ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, AgNO3+ की आई है, बहुत ध्यान सुनना इसको, AgNO3+ की आई, AgI बन रहा है प्लस के NO3, AgI प्लस के NO3। अब ये मोल का सब कि वो है रेडॉक्स है, मोल का सट्टा नहीं तो ऊपर, क्योंकि इधर क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है क्या इसमें, Ag+1 में है, N+5 में है, K+1 में है, I-1 में है, दोनों साइड रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट, तो एन फैक्टर AgNO3 का कितना है इधर 1, K का एन फैक्टर कितना है 1, आ रहा समझ के नहीं, K+1 I-1 समझ आ रहा कि नहीं। अब ये जो ये 50 ml लिया हमने, कितना लिया है 50 ml, यही ना कि 50 ml। अब इसने बोला जो के आई है वो एक्सेस में था,
एक्सेस के आई को खत्म करने के लिए, एक्सेस के आई को खत्म करने के लिए के आई ओ थ्री डाला है। कितना डाला है? 50 ml ऑफ 1/10 molar, यही है ना। और इसे बना क्या, कन्वर्ट हो रहा है टिल ऑल आई माइनस इज कन्वर्टेड टू आईसीएल, क्या ये है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो अब 50 ml 1/10 molar है और के आई ये एक्सेस वाला है, एक्सेस के आई को खत्म करने के लिए के आई थ्री डाला है 50 ml ऑफ 1/10 molar, 50 × 1/10, 50 × 1/10 ये है इसके मोल्स। अगर निकालने हैं मिलिक्विलेंट तो 50 × 1/10 × 4 किया मैंने, इंटू फोर क्यों किया है, एनफेक्टर 4 है ना, इसका एनफेक्टर कितना है यहाँ पे 2, इसका एनफेक्टर कितना है यहाँ पे 4 + 1 है ना, ये निकाल लोगे ना, तो ये कितना आ गया 20। ये 20 मिलीक्वेलेंट जो आए हैं, ये 20 मिलीक्वेलेंट जो आए हैं, ये क्या चीज है, ये समझ आ गया। यहाँ पे के आई मान लो मेरे को यूज करना था 30 मिलीक्वेलेंट, 30 यूज करना था, इधर मेरे को यूज करना था 10 मिलीक्वेलेंट यूज करना, कितने यूज करना था 10, मैंने डाल दिया 30 मिलीक्वेलेंट, तो अगले 20 को खत्म करने के लिए क्या डाला हुआ, के आई ओ थ्री, क्या समझ आ गया। अब इसने बोला अगर हम सेम स्टॉक सॉल्यूशन के आई के लिए, यानी स्टार्टिंग से 20 ml ले लें, ठीक है कितनी 50, कह रहा है अगर 20 ml ले लें तो उस 20 ml को खत्म करने के लिए जो के आई ओ थ्री डल रहा है ना वो कितना डल रहा है, देखो 20 ml के लिए के आई ओ थ्री कितने डल रहा है मिलीक्वेलेंट, 30 ml कुछ बोला हुआ ना सर, 30 ml ऑफ 1/10 × 4 करेंगे कितना हो गया ये 12, ये कितने के लिए 20 के लिए, हमारे पास सॉल्यूशन कितनी है के आई की 50, 50 ml के कितना डालेगा 12 × 50/20, 30 आ गया मिलीक्वेलेंट, यानी स्टार्टिंग वाला जो के आई है वो कितना है 30 मिलीक्वेलेंट, कितना है वो 30 मिलीक्वेलेंट, और एक्सेस हमने 30 मिलीक्वेलेंट डाल दिया, हमने ज्यादा डाल दिया, 20 मिलीक्वेलेंट एक्सेस है, यानी मिलीक्वेलेंट्स ऑफ के आई, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मिलीक्वेलेंट्स ऑफ के आई एनफेक्टर कितना है उसका 2, यूज विद एनफेक्टर 2, यूज फॉर HgNO3 कितना हुआ 30 − 20, 10 आया कि नहीं है, समझ आया कि नहीं, ये लाइन समझ आ गई तो क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे ये एनफेक्टर 2 वाला ही है, एनफेक्टर 2 वाला ना ये, और हमें कौन सा के आई चाहिए, एनफेक्टर 2 वाला कि 1 वाला, 1 वाला हमें, 1 वाला चाहिए ना, क्योंकि HgNO3 का के आई जो है एनफेक्टर 1 है वो। तो मिलिक्युलेंट्स ऑफ के आई विद एन फैक्टर 1 कितना हो जाएगा, बोलो 2 है तो 10, 1 है तो 5, समझ आया कि नहीं, और जो एन फैक्टर 1 वाला है वो HgNO3 के मिलिक्युलेंट्स के इक्वल है कि नहीं, तो इसको लिख सकता हूं मैं, मिलिक्युलेंट्स ऑफ HgNO3 आ गए 5, मिलिक्युलेंट्स ऑफ HgNO3 आ गए 5। अभी जैसे मैं मास निकाल लूंगा इसका, मास नोट करेंगे कैसे निकलेगा, मास होगा एजी का मास होता है 108 और NO3 होता है 114, 122, 122 होता है 170, 170, 170 एनफेक्टर 1 × 10³, दिस इज इक्वल टू कितना आया 5, तो ये 870/1000 0.85 आ गया, 0.85 ये मास आ गया इसका, हमें निकालनी है इसकी परसेंटेज, दे रखा है 1 ग्राम, देखो चक्कर 85% आ गया, 0.85 / 1 × 200, सेम डेटा आ जाएगा, ध्यान रखना चीज का। इसका बहुत इजी सा पार्ट पूछ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन को 5 बार पढ़ो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो और फिर करो इसको। और मैंने किससे किया अभी, बोल ग्रेट कंसेप्ट से तुम्हें ट्राई करना है, बोल कंसेप्ट से ट्राई करना इसको, हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं नहीं होगा क्वेश्चन, बोल कंसेप्ट से ट्राई करना इसको। ये किसी से हुआ था 85%, ये गर्व ने निकाल लिया था, और किसी ने कैसे भी हो गया, यही होता था, मतलब 5-7 साल पहले 6 साल बच्चे थे जो आंसर निकाल लेते, बोल कंसेप्ट से भी करना मिलीक्वेलेंट से भी। एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर होगा वो, ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 31, ठीक निष्ठा क्वेश्चन शो कर दो, 31 क्वेश्चन, थर्टी
31 क्वेश्चन रीड करो। 1.65 ग्राम सैंपल ऑफ FeS2 वाज ऑक्सीडाइज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट्स वर Fe3+ एंड SO2। एंड SO2, SO2 गैस प्रोड्यूस वाज पास थ्रू एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 40 ml बेरियम पर मैंगनेट BaMnO4 होल ट्वाइस विच प्रोड्यूस्ड सल्फेट आयन एंड Mn+2। द एक्सेस बेरियम पर मैंगनेट वॉज डायल्यूटेड टू 100 ml एंड 10 ml ऑफ इट वॉज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ Ki। I2 प्रोड्यूस रिक्वायर्ड 0.05 मोलर 5 ml हाइपो सोल्यूशन प्रोड्यूसिंग S4O6 टू नेगेटिव इन ए सेपरेट टाइट्रेशन। सेपरेट टाइट्रेशन मीन स्टार्टिंग से लिया दोबारा सेम सोल्यूशन ऑफ बेरियम पर मैंगनेट अंडर एल्कलाइन कंडीशन। अब लिया एल्कलाइन कंडीशन वेन ट्रीटेड विद Ki प्रोड्यूस I2 That required 20 ml 0.05 मोलर हाइपो सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग S4O6 2 नेगेटिव एंड Mn+6। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ FeS2 इन द सैंपल। बेस्ट क्वेश्चन है ये रेडॉक्स हाइड्रेशन का। रीजन कर लेंगे, बस ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा सब।